हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेकअप चेयरमैन चांदनी सिंह पे। आज मैं आप सबके लिए देवदास से पारो की लुक लेकर आई हूँ, वो भी दूसरी बारी। पर इस बारी मैं आप सबके लिए एक अच्छे से ट्यूटोरियल भी लेके आई हूँ। बहुत पहले मैंने सिर्फ एक शॉर्ट बनाया था वीडियो का। अगर आपको मेरी ये लुक पसंद आए तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, हम एल्फ का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्राउ को सेट करेंगे, शेप करेंगे। गाइज, ऐश्वर्या राय की आईब्रोज पतली है तो थिन आईब्रोज के लिए मैंने ऊपर और नीचे की तरफ प्रॉपर तरीके से कंसीलिंग करी है। अब मैं अपनी ब्राउज को फिल करूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे गैप्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको एक अच्छे से डार्क ब्राउन शेड के साथ मैं फिल करूँगी। गाइज, मैं ये आई शेडो में से ही ब्राउन शेड ले रही हूँ। दिस इज़ अ डार्क ब्राउन शेड। एंगुलर ब्रश की सहायता से मैं इसको स्ट्रोक्स में इस तरीके से फिल करूंगी। जहां पे आपको लग रहा है कि अब मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, प्रोडक्ट यहाँ पे पैची हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, एक स्पूली लेंगे और इस तरीके से ना इसको पूरा ब्रश ऑफ करेंगे। एक्सेस जो भी होगा वो आपका अपने आप निकल जाएगा और ये बहुत अच्छा सा सटल सी आपकी ब्राउज लगने लग जाएगी। सबसे पहले हमने ट्रांजिशन शेड लिया है, इसको हमने क्रीज लाइन पे सेट करा है। एज यूजुअल हम हर आई मेकअप की लुक एक ट्रांजिशन शेड के साथ इस वजह से करते हैं जिससे हमारे सारे आई शेडोज बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडेड लगे। आप इस तरीके का ब्रश ले लीजिएगा जो थोड़ा सा लंबा हो और ऐसा पतला हो और यहाँ से थोड़ा सा डेंस हो। अच्छे से ये ट्रांजिशन शेड का जो ये क्रीज एरिया होता है यहाँ पे बहुत अच्छे से ये ना घुस जाता है और अच्छे से ये ब्लेंड कर देता है इस तरीके से। सो अब हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेंगे। डार्क ब्राउन शेड को हमने ट्रांजिशन शेड के अंदर मिक्स कर दिया और मैंने एक अलग ब्रश लिया है इसके लिए, क्योंकि अगर मैं सारे एक ही ब्रश से सारा मेकअप कर दूंगी तो मेरे सारे रंग एक जैसे ही लगने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे मेरी आईज में ट्रांजिशन शेड काफ़ी कम दिख रहा है। अब मैं फिर से ट्रांजिशन शेड पिक करूंगी और मैं उसको अपने क्रीज एरिया पे फिर से अप्लाई करके एक ब्लेंडेड फॉर्म दूंगी। एक ग्लिटर शेड ले लेंगे, इसको अच्छे से फिंगर्स की सहायता से हम सेटल करेंगे। ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं करेंगे, इतना ही इंटेंसिटी रखेंगे इसकी हम। अब मैं फिर से ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी।
गाइज आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से पहले अपने आई लाइनर की आउट लाइनिंग करी है। मैं डायरेक्टली लिक्विड लाइनर ही यूज़ कर रही हूँ। ऐश्वर्या राय के हमेशा आईज़ को हमेशा बोल्ड दिखाया जाता था और उनका ये सिग्नेचर आई लाइनर लुक होती है हमेशा ही। इसको हम अच्छे से फिल करेंगे। तो गाइस जहाँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे स्किन पे स्कार्स हैं या स्किन मेरा हल्का सा अनइवन है, आईज़ के नीचे सबका ही अनइवन होता है थोड़ा बहुत, तो मैंने वहाँ पर ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है जिससे मेरा बेस ऊपर से बहुत फ्लॉलेस लगे। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। गाइज अब हम फॉरएवर 52 की फाउंडेशन ले रहे हैं इन शेड F14। गाइज अब हम अपनी आईज़ के नीचे कंसीलर अप्लाई करा है हमने एल्फ का ही इन द शेड आई लाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग दोनों चीज़ें आपको साथ में दिखा रही हूँ। मैंने ये कंसीलर लगा लिया, डॉटेड फॉर्म में इसी लगाया क्योंकि साथ साथ हम एक रील भी बना रहे हैं। गाइज इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में टाइम वेस्ट करते हुए पूरे फेस पे मैंने अपने हाइलाइटर हाइलाइटिंग शीट लगा लिया। ब्लशर हम बाद में लगाएंगे। गाइस अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, कितनी अच्छी कवरेज है आप देख सकते हो। अब ब्लेंडर की दूसरी साइड लेंगे और इस तरीके से कंट्रोल करेंगे। अब हम ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रहे हैं। अच्छे से जहाँ जहाँ पे हमने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वहाँ वहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। आप देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ भी सेट करा है, तो ये जगह मैट और ये जगह मेरी स्टिल ऑयली लग रही है। गाइस अब हम ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। इसकी
इंटेंसिफिकेशन बहुत अमेजिंग है, तो इसको अब हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। कितना अच्छा कलर लग रहा है, देख सकते हो आप गाइज। अब हम हाइलाइटिंग शेड यूज कर रहे हैं, हाइलाइटर यूज करेंगे अपने हाई पॉइंट्स पे। तो गाइज अब पारो ने अपने यहाँ पर एक बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है, बिकॉज़ वो बंगाली लुक उन्होंने कैरी करी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने बिंदियाँ लगाई हुई हैं। तो अब हम ये कोई ऐसा सा लाइनर ले रहे हैं, उसकी बैक साइड ले रहे हैं और उसको ना हम आउटलाइन कर रहे हैं, देखो आप, रेड पेंसिल के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसके जितनी बिग बिंदी बनाऊँगी। अगर तो आपके पास वैसे ही बिंदी पड़ी हुई है तो आप लगा सकते हो, बट मेरे पास इतनी बड़ी साइज़ की बिंदी नहीं पड़ी है। गाइज आप इसको लिक्विड सिंदूर से भी भर सकते हो। सो गाइज अभी आप इसको इसी तरीके से रफली ड्रॉ कर लो, चाहे आप इसको फिर उसके बाद इंटेंसीफाई कर लेना।